फाइनली मैं जब से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूँ आज तक मैंने मेरे चैनल पे 50 वीडियो अपलोड कर दिया है और लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है। प्लीज मेरे को सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आप लोग क्यों सपोर्ट करोगे, क्यों तो हम तो गरीब हैं, हमारा चैनल को कौन देखेगा, हम तो गाँव के रहने वाले हैं, गाँव के ब्लॉग आप लोगों को अच्छा नहीं लगता है, शायद आप लोग मेरे को सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए। और आप तो मनोज दे का ब्लॉग देखते हो, सौरभ भाई का ब्लॉग देखते हो, वो तो अच्छा अच्छा ब्लॉग लेके आते हैं, उनके तो एक एक वीडियो का तो 1 मिलियन व्यू हो जाते हैं, 1000 सब्सक्राइबर तो वो एक दिन का गेन कर लेते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस गरीब को सपोर्ट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं आज का ब्लॉग में। चलिए, ये रहा हमारा बालीघाट, बालीघाट का नजारा देखिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल हो रहा है अभी 8:30, बस अभी हम चलेंगे बालेश्वर, क्योंकि मेरा थोड़ा काम है और इसलिए जल्दी जल्दी मैं नहा धो के रेडी हो जाता हूँ और चलते हैं बालेश्वर। फाइनली मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, चलिए निकलते हैं अभी बालेश्वर, चलिए बाइक निकलते हैं। फाइनली अब मैं घर से निकल चुका हूँ, बस अभी हम रास्ते में हैं और बालेश्वर पहुँचने के बाद आप लोगों को एक जगह लेके चलूँगा, उसका वो जगह का नाम है बालीघाट। दिखाएंगे आप लोगों को बालीघाट कैसा है, और वो जो बालीघाट है एकदम नदी, नदी के ऊपर बहुत बड़ा ब्रिज है, ब्रिज के ऊपर से दिखाऊंगा और नीचे भी दिखाऊंगा। चलिए पहले, और बालेश्वर जो मैं अभी जा रहा हूँ, थोड़ा काम के वजह से जा रहा हूँ बालेश्वर, मेरा एक पार्सल आने वाला था चेन्नई से और वो प्रोफेशनल कुरियर के पास फंसा हुआ है, बस उसे ही कलेक्ट करने जा रहा हूँ अभी, बस वहाँ से पार्सल कलेक्ट करते हैं और फिर चलेंगे बालीघाट, और बालीघाट में दिखाऊंगा आप लोगों को हमारा बालेश्वर में बालीघाट कैसा है, और वहाँ पे बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिलती है, एकदम नदी, नीचे से नदी, ऊपर ब्रिज है, और अभी तक बहुत ज़्यादा पानी है वहाँ पे होगा, चलिए देखते हैं, और थोड़ा बहुत बालेश्वर में थोड़ा बहुत घूमेंगे। चलिए, मैं बालेश्वर पहुँच चुका हूँ, चलिए घूमते हैं। प्रोफेशनल मुझे मिल चुका है प्रोफेशनल कुरियर का एड्रेस, फाइनली मेरा कुरियर मुझे मिल चुका है, ये देखिए ये वाला कुरियर मुझे मिलना था, तो फाइनली मैंने कलेक्ट कर लिया है ऑफिस से। चलिए अब निकलते हैं, चलते हैं बालीघाट। बहुत दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं बालीघाट, दिखाता हूँ आप लोगों को, चलिए देखते हैं। ये हमारा बालेश्वर मार्केट, ये कितना भीड़ भाड़ इलाका है, ये जो एरिया है ये हमारा हॉस्पिटल एरिया है और इसलिए ज़्यादा भीड़ इस साइड में होती है, ये हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है इस साइड में, इसलिए ज़्यादा भीड़ होती है इस साइड में। और हॉस्पिटल गेट से निकलते निकलते मुझे थोड़ा 2-4 मिनट लग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था, देखिए कितना ज़्यादा भीड़ हमारा बालेश्वर में हॉस्पिटल साइड में, ज़्यादा भीड़ होती है। रास्ते पे हम लोग जा रहे हैं, ये मस्जिद रोड है और ये देख रहे हो, ये रहा मस्जिद रोड। इसलिए यहाँ भी थोड़ा बहुत भीड़ लगी रहती है। और ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 400-500 मीटर की दूरी पे है बस, थोड़ा ये मार्केट के बाद ही पड़ती है, आगे से एक मंदिर पड़ेगा, मंदिर से लेफ्ट लेंगे बस पहुंचेंगे बालीघाट, बस वहाँ पे घूमेंगे। ये देखिए आगे जो मंदिर है, ये शिव जी का मंदिर है, और वहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, वहाँ से लेफ्ट लेंगे क्योंकि राइट से जाता है वो म्यूनसिपलिटी रोड की तरफ और लेफ्ट में जाता है बालीघाट की तरफ। तो ये देखिए ये शिव जी का मंदिर, यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं, बस ये जो मार्केट है इसे हम बोलते हैं मोतीगंज मार्केट, मोतीगंज मार्केट पार होके जाना पड़ता है बालीघाट, बस हम लोग मार्केट पार हो चुके हैं, बस आगे से हमें राइट लेना है। बस यहाँ से जाएंगे राइट,
ये देखिए ये जो रास्ता जा रही है राइट में, इसी रास्ते पे जाना है बस। पहले ऊपर चलते हैं वाले, वो जो ब्रिज के ऊपर चलते हैं, फिर जाएंगे नीचे। ये नीचे में जो गेट दिख रहे हो वहाँ पे कौन सा मंदिर है मालूम नहीं, बस चलते हैं वो वाला मंदिर में घूमने। पहले चलते हैं ऊपर, ऊपर का नज़ारा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए हमारा पालीघाट का नज़ारा। पालीघाट में बहुत ज़्यादा पानी आई है, ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बूट भी है गंगा, और ये देख रहे हो कितना ज़्यादा पानी आई है पालीघाट में, कितना ज़्यादा पानी। ये देखिए एकदम सारा डूब चुका है यहाँ तक। ये जो घर देख रहे हो यहाँ तक पानी आ गया था, वो तो अभी तो मंदिर तक पानी लग गया है। देखिए ये वाला जो यहाँ पे देखिए, ये जो गंगा के अंदर लोग एक बैठा हुआ है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये लोग जाते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो जो लोग दिख रहे हो ये जो लोग जा रहे हैं मछली पकड़ने के लिए वो नदी में, ये बहुत बड़ा नदी है। बालीगढ़ 8-9 साल के बाद आ रहा हूँ बालीगढ़, ये दिख रहे हो ये नज़ारा इतना सुंदर, बहुत बड़ा ब्रिज है। चलिए चलते हैं थोड़ा उस पर, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले ये ब्रिज के ऊपर से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितना जोर से पानी जा रहा है। ये जो पानी आई है ये बूढ़ावलंग नदी से आई है और डायरेक्ट समुन्द्र में मिलती है। इस नदी से बहुत सारा मछुआरे ने बस बोट में लेके जाते हैं मछली पकड़ने के लिए समुन्द्र में, बस यहाँ से थोड़ा आगे जा। ये देखिए ये मंदिर का नज़ारा, पहला ये है एंट्रेंस, चलिए अंदर चलते हैं। और ये जो मंदिर है कौन सा मंदिर है मालूम नहीं, पहली बार आ रहा हूँ, चलिए देखते हैं। बाढ़ आई थी यहाँ तक पानी आ गई थी, ये देखिए अभी तक पानी सूखी नहीं। ये हमारा बालीघाट का नज़ारा, ये देखिए जो बाढ़ आई थी ना यहाँ तक पानी आ गई थी सारा, अभी भी पानी कम नहीं हुआ। ये देखिए हम लोग थे उसके ऊपर पुल के ऊपर, फाइनली हम लोग जगन्नाथ महाप्रभु जो मेरा दिल का भगवान है उनके पास पहुंच चुके हैं। ये देखिए वाह कितना सुंदर नज़ारा, मेरा जब मैं जो भगवान को देखता हूँ ना मेरा एकदम दिल खुश हो जाता है, जो मेरा भगवान है मैं तो उसे बहुत मानता हूँ। बस भगवान जी का एक तस्वीर ले लेते हैं।
सुंदर मूर्ति, मेरा भगवान तो सबसे प्यारा है, मैं बहुत मानता हूँ। लक्ष्मी देवी की इस साइड में मंदिर, थोड़ा उनका भी दर्शन कर लेते हैं। माता लक्ष्मी देवी की जय। फाइनली आज का दर्शन हो चुकी है, दिल खुश हो गया, बस चलते हैं अभी घर। ये रहा स्नान मंडप, यहाँ पे भगवान जी स्नान करते हैं जब वो रथ यात्रा का टाइम पे। फाइनली भगवान जी का दर्शन हो गया, मन को ठंडक मिल गई। चलिए, मेरे को पता नहीं था ये महाप्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है। चलिए, बहुत मज़ा आ गया। बस जब मैं भगवान जी को देखता हूँ एकदम खुश हो जाता हूँ, मेरा दिल में एकदम क्या होना लगता है पता नहीं, लेकिन दिल खुश हो जाता है। चलिए अब चलते हैं घर। ये जो गेट है, ये बालीघाट मंदिर के थोड़ा पीछे एक छोटा सा गेट है। इस साइड में जाते हैं लोग जो जाते हैं समुंदर में मछली पकड़ने के लिए, इस साइड में रहते हैं, इसीलिए ये जो सिंबल है उन लोगों के लिए है। गाड़ी एकदम स्क्रैच हो गया, ये इस साइड स्क्रैच और ये टूट गया और इस साइड भी स्क्रैच हो गया। ये वाला देखिए, ये वाला भी टूट गया, ये वाला हैंडल में ये वाला मिरर टूट गया। रास्ते के आने के टाइम मेरा एक्सीडेंट हो गया, बालेश्वर से आते आते बस रास्ते पे मैं गिर गया और मोबाइल भी थोड़ा स्क्रैच हो गया और गाड़ी भी टूट गया, हैंडल टूट गया और मिरर भी टूट गया और मैं पैर में खून बह रहा है और ये मेरा हाथ में थोड़ा मतलब घिस गया। ये देखिए पैर में कितना खून आ रहा है। जीन पैंट पहना था इसलिए मैं थोड़ा सेव हो गया, वरना एकदम खून ही खून हो जाता। चलिए हाथ पैर धोते हैं और खाना खाते हैं, और टाइम हो रहा है अभी 1:30 बज रहा है। चलिए लंच करते हैं, देखते हैं लंच में आज भाभी ने क्या बनाए। कोटी बापा, कोटी बापा। आज लंच में बनी है मछली भजा और भिंडी और करी, हम लोग खाएंगे बाबूजी और मैं और गेलू। चलिए खाते हैं, मैं थोड़ा हाथ पैर धोता हूँ। चलिए वो खाते हैं, फाइनली हाथ पैर धो चुका हूँ, चलिए खाते हैं। और ये मछलियों के लिए भी मैं एक बुरी दाना लेके आ गया, और आने का टाइम मेरा रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि मेरा फ्रंट वाला जो व्हील है वो हम्स के ऊपर पड़ गया, जोर से पड़ गया तो स्लिप हो गया मेरा चक्का और मैं गिर गया, मेरे ऊपर गाड़ी और बहुत जोर से दर्द हुआ, यहाँ से खून ही खून। चलते हैं, पहले खाते हैं, भूख लगी है, फिर कुछ करेंगे, फास्ट ट्रीटमेंट करेंगे। फाइनली अभी टाइम हो रहा है 9:30 और मैं दोपहर से खाने के बाद मैं सो गया था, वो जो पैर में इतना दर्द हुई आप लोग समझ नहीं पाओगे। और अभी अभी बस मैं उठाऊं और चलिए थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, डिनर करते हैं। और डिनर में शायद बनी है आज रोटी और आलू करी, खाते हैं और एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। आज का ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना और अपना माँ बाप का हमेशा ख्याल रखना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।